अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक नई जगह पे, एक नया दिन, एक नई यूनिवर्सिटी में मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लक्की मरवत में। और अभी हम यहाँ के रजिस्ट्रार से मुलाकात करके आ रहे हैं। यहाँ आने का मकसद तो आप सबको पता ही है, लेकिन रजिस्ट्रार साहब से मिलने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी बैंकारी का फ़रोग था। जिस तरह की कहा जाता है कि इस्लामिक बैंकिंग हमारी मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मजहबी जिम्मेदारी है। जिस तरह हम इबादात पे तवज्जो देते हैं, इसी तरह मामलात पे तवज्जो देने के लिए हमें इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आना होगा। डिस्ट्रिक्ट लक्की के बारे में मैं बता दूं, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ लक्की मरवत में हमें पता चला है, चूँकि यहाँ पे अब बैचलर्स एग्जाम स्टार्ट हैं, तो रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि मोर देन 7,000 स्टूडेंट्स वो रजिस्टर्ड हैं कि जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। इसी तरह मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे, 10,000 से ज़्यादा लोग एफिलिएटेड कॉलेज के समेत, ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। डिस्ट्रिक्ट लक्की की कुल आबादी, जो मुझे अभी अंदाजन बताया गया है, वो तकरीबन 10,00,000 है। लेकिन 10,00,000 आबादी में इतनी बैकवर्डनेस के बावजूद एजुकेशन लेवल का और लिटरेसी लेवल का इतना होना बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद है। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लक्की मरवत यहाँ बनी है, हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि जहाँ जहाँ भी ऐसे ऐसे इलाके हों जहाँ ज़रूरत हो, एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। अभी तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट से अनकरीबी यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाएगा, बल्कि हो चुका होगा। यस, ये अभी यूनिवर्सिटी तब्दील हो चुकी है और इसमें अब परमानेंट हायरिंग हो रही है। जो यहाँ की लोकेलिटी है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो हुकूमत ने इतना अच्छा इकदाम किया है, इस काम से कम अज़ कम फ़ायदा उठाए जितना हो सके। इसमें एमएस लेवल तक कुछ प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया।